घर घर में मौजूद एक बहुत कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वो क्या है? वो है शरीर में दबी हुई नस, नसों में कमजोरी, नसों में होने वाला दर्द, नसों में होने वाली ब्लॉकेज। आखिर ये किस वजह से होती है? हमारे खान पान की जो गलत आदतें पड़ गई हैं, हमारी लाइफ स्टाइल जो खराब हो गई है, कई कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कोई होती नहीं है, इसकी वजह से शरीर की नसों में दर्द या कमजोरी आने लग जाती है। नस दबने से, नसों में कमजोरी आ जाने से काम करना मुश्किल हो जाता है, उठने बैठने में बहुत तकलीफ होती है, आराम भी नहीं किया जाता, उसमें भी दिक्कत होती है। नस दबने से और क्या होता है? नस दब जाती है तो उस नस के ऊपर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे वो नस सिकुड़ जाती है, और ये ठीक नहीं हो तो आगे चलकर नस दबने से वो जगह डैमेज भी हो जाती है और लकवे जैसी प्रॉब्लम पैदा हो जाती है, अंग काम करने बंद कर देते हैं। इसलिए नस दबने की समस्या को लाइटली नहीं लेना चाहिए और अनदेखा नहीं करना चाहिए। तो फिर क्या करें? एक उपाय है जो इस दबी हुई नस को, आपकी नसों की कमजोरी को पूरी तरह से ठीक करेगा, और इसके साथ ही ये डायबिटीज, हाई बीपी, थायराइड की प्रॉब्लम, खराब कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम, एड़ियों में दर्द, कमर में दर्द की प्रॉब्लम, थकान और कमजोरी की प्रॉब्लम, इन सब में बहुत ही फायदा करेगा। तो क्या है ये उपाय? नमस्ते, मैं हूँ सचिन गोयल और आपका स्वागत करता हूँ जयपुर द पिंक सिटी चैनल पर। दोस्तों, ये एक बहुत आसान घरेलू नुस्खा है जो पूरी तरह से नेचुरल है और इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। इस नुस्खे को तैयार कैसे करेंगे? इस नुस्खे को तैयार करने के लिए पहली चीज हम लेंगे ये मेथी दाना। मेथी दाने के इतने फायदे हैं कि गिनाए नहीं जा सकते, बहुत सारे तो आप जानते ही हैं। ये मेथी दाना कब्ज की प्रॉब्लम को ठीक कर देता है, नसों में जो ब्लॉकेज आ जाती है उस ब्लॉकेज को खोल देता है, बॉडी में अगर आपके वायु बढ़ गई हो तो वायु को भी बैलेंस कर देता है। डायबिटीज वालों के लिए तो ये अमृत है, ये शुगर को कंट्रोल करता है, डायबिटीज को खत्म करता है। ये मेथी दाना एक ऐसी अद्भुत चीज है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को खत्म कर देता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। ये स्किन को भी डैमेज नहीं होने देता है, जिससे हम लंबे टाइम तक जवान दिखते रहते हैं। ये मेथी दाना और क्या काम करता है? ये हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करता है, बॉडी में कफ नहीं बढ़ने देता, दिमाग को भी एक्टिव और हेल्दी रखता है। जिनको हड्डियों से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो गई हो, नसों से संबंधित कोई भी बीमारियां हो, उनके लिए ये बहुत कमाल का काम करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेथी दाना आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो ये तो एक चीज हो गई नुस्खे के लिए। अब आपको दूसरी जो चीज लेनी है वो है दालचीनी। दालचीनी तो आप सब जानते ही हो क्या होती है, आपकी रसोई में ही रखी होती है। ये मोटापे को कम करती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकाल फेंकती है, डायबिटीज में बहुत फायदा करती है, शरीर की अंदर से सारी सफाई कर देती है, नसों के ब्लॉकेज पूरे खोल देती है, जिससे खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है और कोई बीमारी नहीं रहती। तो हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? मेथी दाना और दालचीनी, ये दो चीजें हमने ली हैं। अब इनसे नुस्खा तैयार कैसे करना है वो देखिए, अच्छी तरह से पूरा वीडियो आखिरी तक देखकर समझ लीजिए, बाद में कमेंट में ये नहीं कहें कि ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो आपको करना क्या है? आपको लेना है एक गिलास और इस गिलास को पानी से पूरा भर लेना है। ये गिलास हमने पानी से भर लिया पूरा। अब क्या करना है? अब आपको ये आधा चम्मच मेथी दाना लेना है और ये आधा चम्मच मेथी दाना लेकर के आपको इस एक गिलास पानी में डाल लेना है। तो ये तो मेथी दाना हो गया। अब एक टुकड़ा दालचीनी का ले लेना है। ये लगभग एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा मैंने तोड़ लिया है और अब दालचीनी के इस टुकड़े को भी इसी एक गिलास पानी में डाल देना है। तो ये आधा चम्मच मेथी दाना और एक टुकड़ा दालचीनी को पानी में रात भर के लिए भीगने के लिए छोड़ देना है। सुबह क्या करना है? सुबह जब आप सो करके उठ जाएंगे तो इस पानी को चलनी में से छानकर अलग कर लीजिए। ये पानी भी हमारे काम आएगा और ये दोनों चीजें भी हमारे काम आएंगी। ध्यान से देखिए कि क्या करना है। ये जो पानी हमने छाना है, इस पानी को तो आपको सुबह सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए, बासी मुंह, बिना मंजन वगैरह किए हुए ही पूरा पी लेना है। तो ये तो हो गया पानी का यूज। कब पीना है? सुबह उठते ही छान कर पीना है। अब ये जो मेथी दाना और दालचीनी है, इसका क्या करेंगे? इन दोनों चीजों को हम एक कुंडी में, खरल में डाल लेंगे और इसमें डाल करके हम इसको कूट लेंगे। अच्छी तरह से कूटना है, इतना कूटना है कि इनका पेस्ट बन जाए। ये देखिए, ये इनका पेस्ट बन गया है, लगभग एक चम्मच पेस्ट बन गया है। अब इसमें क्या मिलाना है? मेथी दाना और दालचीनी के इस पेस्ट में हमको मिलाना है शहद। जितना ये पेस्ट है उतना ही शहद हम इसमें डाल लेंगे। आधा चम्मच पेस्ट है तो आधा चम्मच शहद और एक चम्मच पेस्ट है तो एक चम्मच शहद ले लेना है। लेकिन ध्यान रखना, अगर आपको डायबिटीज है तो फिर आप शहद मत डालना, बिना शहद ही इसको यूज करना। तो ये हमने इसको मिला लिया है, खूब अच्छी तरह से मिला लेंगे। मिलाने के बाद क्या करना है? जो सुबह सुबह उठते पानी छान कर पियेंगे ना आप, उसके 10-15 मिनट बाद इसे खा लीजिए और खाने के बाद ऊपर से एक कप हल्का गर्म पानी भी पी लीजिए। ये छाना हुआ पानी पीने और इस पेस्ट को खाने के बीच में आप फ्रेश हो सकते हैं, अपना ब्रश वगैरह नित्य कर्म कर सकते हैं। आप इसको करके देखना, कितने दिन करना है वो भी अभी बताऊंगा, पर इसको लेना चालू करते ही आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन एकदम बढ़िया हो जाएगा। ये नसों के ब्लॉकेज खोलने चालू कर देगा, बॉडी की सूजन खत्म करना चालू कर देगा
हाथों पैरों की नसों में जो वेरिकोज वेंस की समस्या होती है, जिसमें टेढ़ी मेढ़ी नीले हरे बैंगनी रंग की नसें दिखाई देती हैं, उनको भी ये ठीक करना चालू कर देगा। तो कितने दिन आपको इसे लेना है? 15 दिनों तक लगातार आपको इसे लेना है। हफ्ते भर में तो आपको ऐसा मजा आ जाएगा कि पूछो मत। ये आपके डायबिटीज को ऐसा कंट्रोल कर लेगा जैसा कभी हुआ ही नहीं होगा। धमनियों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को ये धो धो करके बाहर निकाल देगा। और क्या फायदा होगा? और फायदा ये होगा कि आप पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे, आपको कोई थकान महसूस नहीं होगी, कोई आलस महसूस नहीं होगा। तो ये एक ऐसा उपाय हो गया जिससे आप नसों की कमजोरी दूर कर सकते हो, अपना ब्लॉकेज हटा सकते हो, नसों में दर्द की समस्या से छुटकारा पा सकते हो, नसों को मजबूत कर सकते हो। आप इसे करके देखो, फिर कमेंट में बताना। अब जल्दी से आयुर्वेद के 3-4 छोटे छोटे नियम भी समझ लेते हैं जो नसों में कभी ब्लॉकेज नहीं होने देंगे। रोजाना कम से कम 2 किलोमीटर की वॉक जरूर करनी चाहिए। बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारा काम ऐसा है कि रात को देर से सोते हैं या सुबह जल्दी काम पर जाना पड़ता है, इसलिए सुबह 5-6 बजे मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। तो मैं आपको ये बता दूं कि मॉर्निंग वॉक ही करें, ये जरूरी नहीं है। आप किसी भी टाइम वॉक करें, पर करें जरूर, क्योंकि डेली 2 किलोमीटर की वॉक करते रहने से कभी नसों में ब्लॉकेज नहीं होगी। हर 5-7 दिन में अपनी बॉडी के अंदर से सफाई जरूर करें, जिसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। देखिए, हम डेली जो कुछ भी खाते पीते हैं उसमें से यूजफुल पार्ट तो हमारी बॉडी अपने अंदर स्टोर कर लेती है, लेकिन जो कुछ वेस्ट बचता है उसको बॉडी बाहर निकालना चाहती है, ताकि वो वेस्ट शरीर के अंदर बीमारियां पैदा नहीं करे। मलमूत्र के द्वारा ये वेस्ट बाहर निकलता भी है, लेकिन अपने आप से ये 100% बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि हर इंसान की लाइफ स्टाइल अलग अलग होती है। तो हमारे खाने में से बचा हुआ कुछ वेस्ट पार्ट, खासकर एक्स्ट्रा चिकनाई या एक्स्ट्रा फैट, हमारी नसों में जमने लगता है और धीरे धीरे नसें ब्लॉक होने लगती हैं। इसलिए डेली सुबह गर्म पानी में नींबू मिलाकर पीना या फिर और दूसरे डिटॉक्सिफिकेशन ड्रिंक पीना एक बहुत ही अच्छी है बेटा। इससे नसों में जमा होने वाला फैट लगातार क्लीन होता रहता है और नसों में ब्लॉकेज नहीं होती है। डेली थोड़ी बहुत एक्सरसाइज सभी को करनी चाहिए, और साथ में हो सके तो थोड़ा सा दौड़ना या जॉगिंग करना या फिर रस्सी कूदने जैसे काम भी करने चाहिए। इससे क्या होता है कि नसों में हमारा खून का फ्लो तेज हो जाता है, तो ये खून का तेज बहाव हमारी नसों में जमने वाली बारीक से बारीक गंदगी को भी अपने तेज प्रेशर के साथ भागकर आगे ले जाता है और नसों में जरा सी भी ब्लॉकेज नहीं होती है। डेली करीब 5 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक नाम नाड़ी शोधक प्राणायाम भी है, यानी ये शरीर की सभी नाड़ियों को अंदर से साफ करता है, और यही तो नसों की ब्लॉकेज से बचने के लिए जरूरी है। उम्मीद है ये जानकारी आपकी कई हेल्थ प्रॉब्लम्स एक साथ खत्म कर देगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। आप इसे फॉलो कीजिए और मेरे इसी तरह के बहुत आसान घरेलू नुस्खे देखते रहने के लिए जयपुर द पिंक सिटी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।